हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक फिश करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज जो आप सबसे मैं फिश करी शेयर करूंगी वो टोमेटो ग्रेवी में बनेगी, उसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। ये एक सिंपल और इजी सी फिश करी की रेसिपी है, जिसे फ्रेंड्स आप सब ट्राई करके जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना जरूर। इसके लिए सबसे पहले मैं पैन में सरसों का तेल ऐड करूंगी, और सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख देना है। और जब तक तेल गर्म हो रहा है, फिश को मैं मैरिनेट करूंगी। मैंने यहाँ पर हाफ के जी फिश ले लिए हैं। उसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह से फिश में मिक्स करना है। तेल से धुआं निकलने लगा है, तो अब मैं इसमें सारे फिश पीसेज को एडजस्ट कर दूंगी, और फिश को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब तक फिश फ्राई हो रहा है, मैं एक पेस्ट तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने 4 टमाटर को अच्छी तरह से उबाल के ले लिया है। अब मैं सारे टमाटर के छिलका हटा दूंगी और टमाटर का एक पेस्ट तैयार कर लेना है। टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। फिश दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लूंगी, और इसी तरह से मछली के सारे बैचेज को फ्राई कर लेना है। तो मैं मछली के सेकेंड बैच को भी तेल में ऐड करूंगी, और इसको भी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। अब मैं बचे हुए तेल में 1 टीस्पून राई और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ऐड करूंगी, और तड़का को थोड़ा सा क्रैकल होने देना है। फिर मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता तकरीबन 20 से 25 ऐड करूंगी, और कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 स्मॉल साइज के ओनियन ग्रेट करके लिए हैं, ओनियन को ऐड कर देना है। ओनियन ऐड करने के बाद थोड़ी देर सॉटे करना है। अब मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करूंगी, और जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ी देर सॉटे करना है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करना है, या आप अपने हिसाब से मिर्च कम ज्यादा रख सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। मैंने मछली जो फ्राई किया था, तो मछली में भी ऑलरेडी नमक है, तो ग्रेवी के हिसाब से नमक ऐड करना है। फिर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 मिनट तक सॉटे कर लेना है। फिर मैंने जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, पेस्ट को ऐड कर देना है, और पेस्ट ऐड करने के बाद मसाला के तेल छोड़ने तक सॉटे करना है। अच्छी तरह से मसाला को भूनना है। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून राइस फ्लोर ऐड कर दूंगी। राइस फ्लोर ऐड करने के बाद 1 मिनट तक फिर से सॉटे कर लेना है। अब मैं इसमें ग्रेवी ऐड करूंगी, और ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। अगर थिक ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा सा कम पानी ऐड करें, और अगर पतला ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जैगरी पाउडर ऐड करना है। जैगरी पाउडर टमाटर के खट्टापन को बैलेंस करेगा, तो आप एक बार टेस्ट करके देख लें। अगर आपका टमाटर ज्यादा खट्टा है, तो थोड़ा सा जैगरी पाउडर का मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब मैं 4 से 5 ग्रीन चिली ऐड करूंगी। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैंने जो फिश फ्राई करके रखे हैं, सारे फिश को ऐड कर देना है। सारे फिश को ऐड करने के बाद एक बार मिक्स करना है, और फिर ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका लेना है। तकरीबन 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए फिश करी तैयार हो गया है।
और आप इस फिश करी को स्टीम्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे आने वाली रेसिपीज के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।